अब बात राहुल गांधी की भी कर लेते हैं। राहुल गांधी के बयान पर सियासत तेज है, प्रतिक्रियाएं तेज हैं। अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। दुनिया भर में मोदी जी के प्रति जो सम्मान बढ़ा है, जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो आज कोई और नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। राहुल जी किसी और की नहीं, कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर उनके नेताओं की तो सुन लेते हैं। क्या कहा इटली के प्राइम मिनिस्टर ने? ये कहा कि दुनिया भर में मोदी जी को जितना प्यार मिलता है, जो एक लोकप्रिय नेता के रूप में वो उभरे हैं, आज वो एक मेजर लीडर, एक बड़े नेता के रूप में उनको स्वीकारा है। दूसरी हार को शायद राहुल गांधी स्वीकार नहीं कर पाए, और ये जो कल के नतीजे हैं तो अपने आप दिखाते हैं कि कैसे लोगों ने बार बार नरेंद्र मोदी जी पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। पेगासस पे राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया? और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया? बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। ये नफरत राहुल गांधी जी की प्रधानमंत्री के खिलाफ तो हो सकती है, लेकिन देश को बदनाम करने की ये साजिश बार बार जो विदेशी धरती से होती है, कभी विदेशी दोस्तों के माध्यम से होती है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। क्या संवैधानिक संस्थाओं में भी कांग्रेस का विश्वास खत्म हो गया है? क्या भारत के लोकतंत्र पर बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम ये कांग्रेस करती रहेगी? आज एक बार फिर चुनावों में तो सुपड़ा साफ हुआ ही, दिवालियापन और भी नजर आया जब विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करने का कोई कसर नहीं छोड़ी। Sir, Sir Mohit from Times Now. Sir, Rahul Gandhi also spoke about how minorities are being attacked in the country. They are under threat. But the results of Goa and Northeast have said something else, because people over there, the minorities, have also voted for the BJP, sir. जो महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह के उल्लेख क्या करते हैं, आप समझ सकते हैं उनके मन में क्या चलता है। और minorities का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? अलग अलग राज्यों के जब जो चुनाव आए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र के साथ चलने वाले और सबके प्रयास से देश को आगे बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी के ऊपर सबने विश्वास किया है। जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र के नाम पर कांग्रेस बांटती चली आई है, बांटो और राज करो, इस मानसिकता के साथ काम किया, उससे देश बाहर निकल चुका है। मोदी जी ने कहा है गुलामी की मानसिकता को छोड़ना है, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है। शायद राहुल गांधी जी अभी भी निकल नहीं पाए, कांग्रेस भी नहीं निकल पाई। राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि मोदी जो है वो देश के आर्किटेक्चर को खराब कर रहे हैं, अपने विचारों को इंडिया पर थोप रहे हैं। देश के लोगों ने जो प्यार नरेंद्र मोदी जी को दिया है 1984 के बाद, 2014 में और 2019 में पूर्ण बहुमत अगर किसी व्यक्ति और किसी पार्टी को मिला है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को मिला है। और लोकतंत्र में जनता के निर्णय, जनता का समर्थन, इससे बड़ा कुछ और नहीं होता, और वो बार बार नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में आया है। सर, एक और चीज उन्होंने कहा है कि भारत में सुनी वो है बेरोजगारी, भारत में उतने रोजगार के अवसर नहीं पैदा किए जा रहे हैं जितने यहाँ के युवाओं को जरूरत है। आंकड़े बार बार बोलते हैं, अर्थव्यवस्था पर कल भी रायसीना डायलॉग में जो दुनिया भर के नेताओं ने, बुद्धिजीवियों ने, अर्थशास्त्रियों ने कहा
कि भारत की अर्थव्यवस्था कोविड 19 पैंडेमिक से पहले भी सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी, और कोविड 19 पैंडेमिक के समय जो भारत ने रिफॉर्म्स किए, जो कदम उठाए, जहां एक और भूखमरी से और महामारी से देश को बचाया, अर्थव्यवस्था भी भारत को और मजबूत करने का काम किया। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज भारत है, और 7% की ग्रोथ ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है मेजर इकोनॉमीज में, कि भारत के बढ़ते कदम आज दुनिया उसको सराह रही है। आज दुनिया के अलग अलग पटल पर, दुनिया के अलग अलग कोनों में भी भारत के नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी जी के काम की सराहना हो रही है, और भारत की अर्थव्यवस्था पर लोग अपना विश्वास दिखा रहे हैं। रिकॉर्ड FDI भारत में आ रही है, और PLI स्कीम्स के भी एक के बाद दूसरे का ये जो सफल होना, ये अपने आप में दिखाता है भारत की योजनाओं के बारे में। मीडिया के मित्र मेरे सामने बैठे हैं, ये आपको भी बदनाम करने की कोशिश, और इसी तरह से मैंने पहले कहा कि संवैधानिक संस्थाओं में, चाहे जिसमें देश की जुडिशरी क्यों ना हो, उसको भी बदनाम करने में कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, इन पे बार बार प्रहार करना एक आम आदत बन गई है, और बाद में माफी मांग के विदेश यात्रा पर जाना, ये राहुल गांधी जी की पुरानी आदत है। देश में उनको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, और विदेश में जाकर जहर उगलने का काम, लोकतंत्र को बदनाम करने का काम, और भारत को बदनाम करने का काम राहुल गांधी जी कभी नहीं छोड़ते हैं। सर, राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर ये सोचते हैं कि जितनी माइनॉरिटीज है, दूसरे दर्जे के नागरिक है, इसके बारे में आप किसी भी धर्म जाति संप्रदाय के व्यक्ति के लिए अगर आप मोदी सरकार की सभी योजनाओं को देखेंगे, अगर बैंक खाते सबसे ज्यादा खुले तो यहां पर खुले, सबसे ज्यादा मुफ्त अनाज का लाभ किसी को मिला, मुफ्त रसोई गैस के सिलेंडर का मिला, नए गैस सिलेंडर से लेके पानी से लेके पक्के मकान का, और ये छोटे मोटे नहीं साहब, जब दुनिया भर के सामने ये आंकड़े आते हैं कि 45 करोड़ बैंक खाते खोले गए, 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर दिए गए, 3.5 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए गए, 6 करोड़ घरों को नल से जल देने का काम किया गया, 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक मुफ्त में राशन देने का काम मोदी सरकार ने किया, तो लोग सोचते हैं, दुनिया भर के लोग सोचते हैं कि ये संभव कैसे हो सकता है, ये असंभव को संभव मोदी सरकार ने किया। लेकिन शायद ये कांग्रेस जो 70 साल में नहीं कर पाई, वो 7 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, तो इनको कभी ये विश्वास भी नहीं हुआ है।